दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि मैं हमेशा नए नए नुस्खे आपके लिए लेके आता हूँ। इतने बढ़िया नुस्खे होते हैं कि जो लोग आजमाते हैं उनको पता होता है और वो कमेंट करते हैं, मुझे फ़ोन करके बताते हैं कि बहुत अच्छे नुस्खे हैं। और भाइयों मैं आपको ये और बता दूं कि आयुर्वेद में जो शक्ति है वो किसी भी थेरेपी में शक्ति नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी को जड़ से काटने की शक्ति है। तो आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया गर्मियों के अंदर जो नुस्खा है वो देने जा रहा हूं, जो आपको ताकत के लिए एकदम खजाना, ताकत का खजाना है। आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आपके बदन में दर्द होता रहता है, हल्का हल्का टीस उठती रहती है, दर्द होता रहता है, आलस सा बना रहता है, तो ऐसे में ये नुस्खा रामबाण है। आपके दिमाग को बहुत तेज कर देगा, इतना तेज कर देगा कि कंप्यूटर से बराबर में आप गणना करनी शुरू कर दोगे। बहुत पुरानी से पुरानी बातें आपको जो भूल चुके थे वो याद आनी शुरू हो जाएगी आपकी, इतना आपके दिमाग को तेज कर देगा। गर्मियों के अंदर अब भी जो दौर चल रहा है गर्मी का, 47 डिग्री हमारे यहाँ टेम्परेचर है और इतनी भयंकर लू चल रही है कि बाहर निकलते ही ऐसा लगेगा कि अभी मरे अभी मरे, इतना गंदा हाल है। तो इस गर्मियों की लू से आपको बचाएगा, लू का कोई असर नहीं होने देगा, ऐसा नुस्खा आपको मैं आज लेके आया हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ। आप मेरा ये नुस्खा कल ही आजमाएं, आज सुने और अच्छी तरह ध्यान में रखिए, कल ही आजमाएं, देखिए आपके ऊपर ये नुस्खा कितना कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों जिसको भी मेरा वीडियो पसंद आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले में और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन दबा दे में, और अगर आप शेयर करोगे किसी को तो बहुत ही अच्छी बात होगी, एक लंबा चौड़ा कमेंट भी लिख देना। तो दोस्तों मैं आपको ये नुस्खा बताने जा रहा हूँ, आपको क्या क्या लेना है। एक तो ये मगज होता है, आप पंसारी की दुकान से पाव भर मगज मांग लेना, ले आना। उसमें क्या है कि तरबूज के बीज छिले हुए होते हैं उसके अंदर की गिरी होती है, और खरबूजे के बीज होते हैं उसके अंदर की गिरी होती है, उनको मगज बोलते हैं। तो आप मगज के नाम से मांग लेना, मगज ले आना। आपको काजू लाने, काजू और बादाम लाने हैं, और सौंफ लाना है, और खसखस आपको लेके आना है जिसको पोपी सीड कहते हैं, पोस्ट दाना भी कहते हैं कई जगह, खसखस आम भाषा में खसखस बोला जाता है। तो ये चीज़ आपको लेके आनी है बाजार से, साथ में काली मिर्च अपने घर पे होती है, और गुलाब के फूलों की जो सूखी हुई पंखड़ियाँ होती है। दोस्तों ये सभी चीज़ें बहुत ही काम की चीजें, आपको मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूं आप उसको गौर से सुनिएगा, आपको कमेंट में ऐसा पूछने की जरूरत ही ना रहे। तो आपको क्या करना है, ये मगज ले आना है, ज्यादा मत लाना, एक बार थोड़ा थोड़ा कर लेना। 50 ग्राम आपको मैं बता रहा हूं कि 50 ग्राम मगज ले आना, 50 ग्राम ही काजू ले आना, 50 ग्राम ही आप बादाम ले लेना, बादाम काजू और मगज, ये तीनों 50-50 ग्राम ले लेना, और सौंफ भी बराबर मात्रा में ले लेना, इन चारों को बराबर मात्रा में लेना है, 50-50 ग्राम ले लेना, आपकी इच्छा हो तो 100-100 ग्राम ले लेना, बाकी एक बार 50-50 ग्राम का बनाओगे तो भी बहुत होगा। डालनी है 10 ग्राम काली मिर्च डालनी है, और आपको गुलाब के जो पत्ते होते हैं, गुलाब की फूलों की पंखुड़ियाँ जो होती है वो सूखी हुई बाजार में आपको मिल जाएगी, 20-1 ग्राम वो डाल लेना, ठीक है। और हरी इलायची आप 10-12 दाने हरी इलायची के डाल लेना, और मिक्सी में अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेना, मिक्सी में अच्छी तरह इसको ग्राइंड करके और एयरटाइट डिब्बे के अंदर भर के रख लेना। अब आपका ये पूरा मसाला तैयार है, आपको एक बार में इतनी मेहनत करनी है। अब आगे आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का कुज्जा ले लेना,
मिट्टी के कुज्जे में कोई चीज़ हम भिगोते हैं ना तो बहुत ठंडी हो जाती है, उसकी तासीर ठंड में बदल जाती है, चाहे वो कैसी गर्म चीज़ हो। तो मिट्टी के कुज्जे के अंदर आप 100-150 ग्राम पानी डाल के और 1 चम्मच भर के ये जो पूरा मिश्रण बना है इस मिश्रण का 1 चम्मच डाल देना और सुबह उसको अच्छी तरह मिक्सी में चला के और घोट लेना। अब आपको अच्छा लगे और अगर आपके शुगर नहीं है तो आप मिश्री मिला के इसको पीने में, आप इसको दही के साथ में लस्सी बना के भी पी सकते हैं। दही के साथ में लस्सी बना लो और पी लो, देखिए कितनी ठंड करेगा। आप मैंगो शेक के साथ में पी लीजिए, आप वैसे ही पी लीजिए, आप दूध के अंदर डाल के भी इसको पी सकते हैं, दूध के अंदर भी पी सकते हैं। और आपको ये भी है कि कभी भी पी सकते हैं, भूखे पेट पी सकते हैं, सुबह उठते ही पी सकते हैं, रात को सोते वक्त पी सकते हैं, दिन में कभी भी पी सकते हैं, खाना खाने के बाद में पी सकते हैं, कोई इसका परहेज नहीं। बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कोई भी इसको पी सकता है। तो 1 चम्मच एक आदमी की खुराक है। अगर बच्चे को देना है थोड़ा कम मात्रा में, यानी आधा चम्मच दे दोगे तो भी चलेगा, बाकी बड़ा 1 चम्मच एक बार में ले सकता है। और इसको सुबह शाम लोगे तो भी चलेगा, एक बार दिन में ले लिया तो चले ही चलेगा, बाकी 2 बार भी इसको आप ले सकते हैं। और इतना टेस्टी होगा दोस्तों ये कि आपका दिल करेगा कि इसको बार बार पिए, और पहले ही दिन आपको इतनी ठंडक महसूस देगा, आपको ये लू नहीं लगेगी और शरीर में चुस्ती फुर्ती आ जाएगी, जो आपके आलस्य बना रहता है, दर्द उठता रहता है पूरे शरीर में, काम करने को मन नहीं करता, तो ये सब आपका दूर हो जाएगा। आप इसको 3 दिन आजमाएंगे तो आपको हर गर्मी में ये नुस्खा याद आएगा और आप तुरंत बना लोगे। कम से कम 7 दिन इसको पी के देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि इसमें कितना लाभ हुआ आपको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।